हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं 5 बजे जा गई थी, तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ। और अभी सारा रूम ना फैला ही पड़ा है, और क्या करूँ, कब तक समेटूँ। आप लोग तो जानते हो, छोटे छोटे बच्चों में तो ऐसा हो ही जाता है। और ख़ासकर हमारी परी ना इधर से उधर फेंकती रहती हैं। और ये देखिए, तकिया ना तो कभी स्थिर रहते हैं और ना ही खिलौने स्थिर रहते हैं। बेड शीट संभाल दो तो बेड शीट अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये तो हमारा काम ही है, तो मुझे तो ये करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलो कर लेते हैं बेड की साफ़ सफाई। और एक दो दिन मतलब यहाँ पे साफ मत ना करें, सिरहाने के पास तो धूल मिट्टी सी हो जाती है। वैसे मैं डेली की डेली कपड़ा मार देती हूँ, और कल मैंने ना इसे पोछा नहीं था, तो ये थोड़ी सी मतलब इसमें पता नहीं कहाँ से आ जाती है धूल मिट्टी सी। तो मैंने पोंछ दिया है सिरहाना, और अभी मैं बेडशीट सही कर ले रही हूँ। और बेडशीट झड़ा दो ना तो मतलब कुछ ना कुछ मिलता ही है, कभी पैन के ढक्कन, तो कभी पैन, कभी रोटी का टुकड़ा, तो कभी। और मुझे डर लगा रहता है कि मतलब परी ना हमारी खाना खाती है तो इधर ही उधर फेंक देती है, तो कभी रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, कभी बिस्किट मिल जाता है। तो डर लगा रहता है कि कहीं चींटियाँ ना हो जाएँ बेड पर। और लाल चींटियाँ ना इन दिनों बड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कर दिया है अपना बेड सेट। और सुबह सुबह उठो ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का, ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी देर और सो लो। लेकिन अपनी ड्यूटी है तो वो निभानी तो पड़ेगी। और ये देखिए, कवर के नीचे ढक्कन निकला है, सोचो। और ये जो वाइटनर होता है ना, तो ये वाइटनर का कैप भी गायब है। तो मैं सोच रही थी कैप पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं तो वो सूख जाएगा उसकी स्याही। और उठा के मैंने रख दिया है, अब उसका जो होगा वो देखा जाएगा। और पता, आए दिन पेन वगैरह मेरे ऐसे ही ख़राब होते चले जाते हैं, क्योंकि परी है ना किसी को लिखता हुआ देख लेती है, जैसे अपने पापा को या अपने भाई को लिखता हुआ देखती है, तो उसे भी चाहिए होता है पेन। और फ्रेंड्स, ये देखिए मतलब हमारा बेड सही हो गया है और सोफ़ा भी सही हो गया है। तो मैं कर देती हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल, और अभी मैंने ड्रेसिंग टेबल यहाँ रखी हुई है, तो ठीक है। ये उधर मतलब बेड की साइड से अच्छी है, इधर रखी हुई एक साइड में। और उधर ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी निकलने में। और ये देखिए, मैंने ड्रेसिंग टेबल भी पहुँच दी है। और अब इस साइड से अलमारी है, तो उसमें भी मतलब पेन वगैरह मिले हुए हैं। और पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रख सकते हैं। और ये देखिए, हमारा रूम लगभग साफ ही हो गया है। तो चलो अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। और आप लोग देख सकते हो ना, मेरा रूम साफ़ लग रहा है, तो बस फर्श रह गया है और पंखा बंद करके। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मेरा मतलब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, और कम से कम 20 मिनट में मेरी झाड़ू लग पाती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रूम में लग गई है मेरी झाड़ू। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में भी मतलब फैला रहता है, क्योंकि शाम को मैंने खाना बनाया था जो छिलके वगैरह होते हैं और वो। और बाहर देखो 2-4 बर्तन भी रखे हुए हैं। और पूरे दिन काम करते हो ना रहो तो आलस आ जाता है, और अकेले काम संभालना तो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, थकावट तो हो ही जाती है, आखिर इंसान है, मशीन तो है नहीं हम। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने किचन में भी झाड़ू लगा ली है, रूम में भी लगा ली है। और अब लगा लेती हूँ मैं इस साइड। और ये जो जाला है ना, जाल, तो इधर बहुत जल्दी जाल लग जाता है, मतलब मकड़ी जाले बना लेती हैं। और यहाँ पे देखिए एक काम और बढ़ गया है, और ये लोग ना नए पुराने जूते चप्पल सब इधर ही रखे हुए हैं। और मेरी चप्पल रखी थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो इनकी रखी है तो मैं भी रख दूँ। और सबके जूते चप्पल इधर ही साइड रखे हुए थे, नए पुराने। तो चलो पहले मैं सबसे पहले अपने उठाती हूँ, और फिर उसके बाद मतलब इन लोगों के उठाऊँगी। और यहाँ पे मैंने उठा दिए थे जूते चप्पल, और साइड से रखे हैं जो डेली की मतलब चप्पल वगैरह होती हैं, तो मैं बोलती हूँ वहीं उतार दिया करो। और यहाँ पे देख सकते हो, मैंने रूम से ये कपड़े निकाले हुए थे, तो इसमें से कुछ धुलने के लिए
और कुछ मतलब वैसे हैं जो मुझे नीचे ले जाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कितना उजाला हो गया है, करीब 6 तो बजी गए होंगे और आराम से उजाला भी हो गया है। तो चलो आंगन तक तो आ गई है हमारी झाड़ू लग के, और सबसे बड़ा काम ना मुझे झाड़ू पोछा का ही लगता है, क्योंकि पूरा झाड़ू पोछा करना पड़ता है ना। इस झाड़ू पोछा की वजह से मेरे ना पैरों में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, एक सीढ़ियों की वजह से और एक पोछा की वजह से। और यहाँ पे देखिए बाहर की साइड भी आ गई हूँ मैं, और काफ़ी उजाला हो गया है, सुबह भी हो गई थी। और अब मैं लगा लेती हूँ बाहर की साइड झाड़ू, और बाहर की साइड ना लगाओ ना तो अजीब सा लगा रहता है, कपड़े वगैरह मतलब जो हम धुलते हैं तो यहीं सुखाते हैं, और सबसे ऊपर जाने में मुझे मतलब कभी कभार जाते हैं, जो हमेशा ऊपर नीचे मेरे से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है सुबह की 6:15, अभी 6:15 हुए और झाड़ू पूरे में लग गई है, मतलब काम हो ही गया मेरा लगभग। तो हरसू का टाइम होने वाला है, वो जाएंगे 7:30, तो लो आज मैं कर देती हूँ चने फ्राई। तो ये देखिए रात को मैंने ना ये चने फुलाने के लिए डाल दिए थे, तो चलो इन्हें धो लेते हैं फिर इन्हें साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज मैंने चने फ्राई कर रही हूँ, और चने फ्राई आज मेरे यहाँ क्यों हो रहे हैं पता है? हरसू को ना चिंता हो गई है बहुत ज़्यादा, जो साइकिल वाले भैया थे तो उन्होंने बोल दिया है कि 8-9 साल का लगता है ये बच्चा, मतलब 11-12 साल का नहीं लगता है। तो हरसू बोल रही थी कि मम्मा मैं छोटा लगता हूँ, तो मैंने कि हाँ छोटे लगते हो, दूध पिया करो, चने वगैरह खाया करो। ये माइक्रोनी पास्ता ना बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, और इससे हाइट वगैरह भी नहीं बढ़ती है। तो इस वजह से हरसू को अब मतलब ये वाली चीज़ें खानी होंगी, दूध भी पीना है, चने भी खाने हैं, और मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने चने साफ़ करके और धुल के और अब मैंने कुकर में रख दिए हैं, तो उसमें मैं डालूँगी 3-4 आलू। और चने और आलू मिक्स करके मतलब फ्राई करो ना तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो आलू भी मैंने धो लिए थे और चने तो वैसे भी धो लिए थे, तो चलो अब मैं रख देती हूँ कुकर में और साथ ही साथ कर भी लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू बाहर तक लगा के आई हूँ लेकिन गैस पहुँचना भूल गई। और पता है सुबह सुबह उठो ना तो माइंड भी कभी कभी काम करना बंद कर देता, इतना सारा काम अकेले मतलब एक जान के लिए इतना सारा काम हो जाता है ना, तो कभी कभी माइंड भी काम करना बंद कर देता है, याददाश्त मतलब कमज़ोर हो जाती है। तो चलो यहाँ पे मैंने गैस फटाफट पहुँच ली है और अब मैं रख देती हूँ कुकर, और जब तक हमारे चने बॉयल होंगे तब तक मैं यहाँ पे काट लेती हूँ टमाटर वगैरह। और ये देखिए मेरी बिंदी ना छूट के कहाँ आ गई है, और मुझे होश भी नहीं, और जब मैंने बाद में देखी तो मैंने कहा देखो वीडियो में मैंने बिंदी भी सही से नहीं लगाई है, पसीने की वजह से आ गई है। और ये देखिए मैं बारीक बारीक टमाटर प्याज हरी मिर्च को मैं बड़ा काटूंगी। और चलिए देखिए बन गई है मेरी चाय, और चाय ना पियो ना सुबह सुबह तो हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं, तो एनर्जी देती है चाय। तो चलो चाय तो बन रही है और साथ ही में मैं चने भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे तैयारी कर रही थी मैं झटपट झटपट, और टाइम ना ऐसे निकलता है जैसे मुट्ठी में ऐसे धूल खिसकती है ना, वैसे ही टाइम निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया और कढ़ाई भी बहुत गर्म हो गई थी, और ये देखिए तेल गर्म हो गया था, हींग जीरा मैंने डाल दिया, और अब इसमें डाल दिया था मैंने प्याज, तो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। और यहाँ पे मैंने डाल दी है कटी हुई हरी मिर्च, और ये मिर्च ना खाने में बड़ी अच्छी लगती है जब फ्राई हो जाती है, और छोटे बच्चे निकाल देते हैं तो हम लोग सब्जी वगैरह के साथ खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग ये फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, और टमाटर भी पक रहे हैं, और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, और अब चलो मिला लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब हमारे टमाटर पक गए थे तो मैंने इसमें जो बॉईल किए हुए आलू को पीस करके और यहाँ पर डाल दिया है। तो ये भी अच्छे से मसाले में मिक्स हो गए हैं। तो डाल दिए मैंने चने बॉईल किए हुए और अब इन्हें मिला लेती हूँ। और देखिए हमारा सिरना बीच में आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, फिर भी दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने निकाल रखा था नींबू का रस और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है मैंने चाट मसाला। और अब चलो डाल देते हैं इसमें, और इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया कटा हुआ। और अब इसे ना अच्छे से मिला लूँगी क्योंकि इसमें नींबू मसाला और धनिया पड़ा है, तो अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और हर्षु का भी टाइम हो गया था, 7 बज गए थे। और कोई चीज़ ना अच्छे से बनाओ तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ना, काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पर देखिए जो हरी हरी बड़ी मिर्च है तो वो निकाल ली जाएंगी, और बच्चे तो खाएंगे नहीं क्योंकि मुँह जलेगा इनका। कहाँ करोगे, इधर आ जाओ। फुल साइज नहीं है, 20 इंच है, वैसे 24 इंच की साइकिल होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है हर्षु की पूजा और हनुमान चालीसा पढ़ लिया है उन्होंने। चलो अब नाश्ता करो, चाय ले तो ठीक है।